बता दूं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का विश्वास टूटा जा रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 6800 की लिस्ट आई थी, आज भी कोर्ट के नाम पर सिर्फ जो है गुमराह किया जा रहा है। जहां हमको विद्यालय में होना चाहिए, विभाग के बैठे हुए अधिकारी तत्कालीन शिक्षा मंत्री को जेल में होना चाहिए, वो सरकारी पद का दुरुपयोग करके आज मजे कर रहे हैं। हमें जहाँ विद्यालय में होना चाहिए, नौनिहालों को पढ़ाना चाहिए। हमारा सिर्फ यही गुनाह है ना कि पिछड़ा और दलित है। कोई एक महीने के अंतराल में कोई बड़ा अपडेट आप लोगों को मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि मंत्री जी के समक्ष हमारे विभाग के तमाम आला अधिकारियों के सामने मीटिंग हुई थी। ये हुआ कि आपकी कमेटी गठित कर दी गई और दो दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक दो दिन का करीब एक हफ्ते हो गए, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहता हूं, अगर जो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी किसी माध्यम से पहुंची है, माननीय जी इस विभाग के अधिकारियों से मुझे 1% का भरोसा नहीं है, न आपके विभाग के मंत्रियों से, क्योंकि लिस्ट आप ही के द्वारा निकाला गया था और आप ही के माध्यम से हमें स्कूल और विद्यालय और नियुक्ति पत्र आप ही के माध्यम आप ही प्रशस्त करेंगे। इसलिए माननीय योगी जी से मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही पिछड़े ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पढ़ाई, जहां महज ग्रेजुएशन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने माँ के गहने और पिताजी के हिस्से की जमीन बेच करके बहुत मुश्किल से हमने टेट सीटेट और इलाहाबाद में जाकर के हमने पढ़ाई करके जो है ये पूरा सरकार के पूरे मानक को कम्प्लीट किया था, लेकिन आज हमारे गुनाह से अभी आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? बिल्कुल, हमें जहाँ हमारा जगह होना चाहिए हमको नियुक्ति दे दें, हम सरकार की वाहवाही करते यहाँ से चले जाएंगे, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए जी। यहाँ पे जो है हमारे भाई लोग, सबसे बड़ी जो चीज है, अभी तलक मैं आया हूँ और यहाँ पे अन्य लोग जो बैठे हैं धरना स्थल पर, उनसे सबसे मैंने बात किया और जो भूख हड़ताल पे यहाँ पे लोग बैठे हैं 47वां दिन है, उनसे हम ज्यादा से ज्यादा बात नहीं कर पाए। उसका कारण ये रहता है कि बिल्कुल साइड में लोग बैठते हैं, जहाँ पे शायद मेरा इंटरव्यू कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शायद इनको तकलीफ भी देनी पड़ती है। लेकिन आज मैं इन लोगों का दर्द आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर 604 दिन से जो है धरना चल रहा है, उसके बाद 47वां दिन आज भाई लोगों का जो है भूख हड़ताल को लेकर के है। तो आज हम भाई साहब आपसे जरूर पूछेंगे और आपका दर्द जरूर जानेंगे। तो शुभ नाम क्या हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रत्युत जायसवाल है जी, मैं अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ जी। बताइए, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है, अभी आप लोग जैसे 604 दिन हो गया जो है धरना स्थल पर आप लोगों को बैठे हुए यहाँ इको गार्डन पे, और उसके बाद में आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी ऐसे साधारण धरने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप लोगों ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया? कोशिश तो यही की गई, लेकिन फिर भी सरकार को इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारा आज भूख हड़ताल का ही 43वां 44वां दिन हो रहा है, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि आपके जो चेहरे पर है, भाई एक बार थोड़ा ज़ूम करके इनको दिखा दीजिए भाई साहब को, इनके चेहरे पर साफ साफ कुछ अलग प्रकार का नजारा दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि अंदर से एकदम भरे हुए हैं, आंखों में आंसू भी शायद आपके झलकने वाले हैं। हमें लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं कि 47 दिन का एक सफर आपका जो भूख हड़ताल को लेकर, तो आप इस 47 दिनों में आप माला वाला पहन रखे, कोई आया था क्या? नहीं नहीं, सुबह हम भाइयों में कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती, 5 लोग को धरने पे रहना रहता है, ये नहीं कि मैं ही लगातार रहूं, तो ऐसा नहीं है। सुबह जो भाई लोग लगते हैं तो उनको माला पहना के बैठा दिया जाता है। यानी जो लोग भूख हड़ताल को, 5 लोग होते हैं उनको मतलब इस्तेमाल दिखाया जाता है कि माले जो पहने यही लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए। जी जी जी, यही बात है। तो अभी सरकार से यानी 47 दिन हो गया आपको भूख हड़ताल, अभी क्या मतलब आपकी दिनचर्या क्या है, आप पानी वानी पीते हैं यानी खाने में आहार में क्या लेते हैं? ऐसे मान लीजिए अगर सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंचती तो आप कितने दिन तक इस तरीके से आप भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं? जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक हमारी बात सुन नहीं ली जाती, तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये कोई हमारी नाजायज मांग थोड़ी, हमारी लिस्ट आई है, बाकायदे हम सिलेक्ट हुए हैं, उस आधार पर कोई गलत तो कर नहीं रहे हम लोग। बिल्कुल बात सही आपने भाई साहब। ये जो आपके संदीप सिंह जी है ना शिक्षा मंत्री, संदीप सिंह जी का कोई अपडेट आया आप लोगों तक? संदीप सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, हमारे वर्ग से आते हैं और हमारे भाइयों के बीच में, अधिकारियों के बीच में मीटिंग भी हुई। मीटिंग होने के बाद